हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चरक संहिता निदान स्थान अध्याय पंचम की। और पंचम अध्याय का नाम है कुष्ठ निदान। बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है, चाहे आप एनुअल एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। इसमें से प्राय जो है वो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो थोड़ा सा इस चैप्टर को आपको ध्यान से समझना है और जो इम्पोर्टेंट है उनको आपको दिमाग में रखना है। पहले श्लोक से हम स्टार्ट करते हैं। सप्त द्रव्याणि कुष्ठानाम प्रकृतिर विकृतिर विकृतिम आपन्नानि भवन्ति। यानी कि सात ऐसे द्रव्य हैं, आचार्य कहते हैं सात द्रव्य हैं जो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं जो प्राकृतिक अवस्था से जो विकृत अवस्था में प्रवेश करते हैं और कुष्ठ के कारण भूत माने जाते हैं, कुष्ठ को जो है वो उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे सात द्रव्य कौन से हैं जो कुष्ठ की उत्पत्ति के कारक होते हैं, एक तरीके से आप इसे यूं समझ सकते हैं। यहाँ आचार्य ने कहा है त्रयो दोषा, यानी कि तीन तो दोष कौन कौन से, वात पित्त और श्लेष्मा यानी कि कफ। तो तीन तो दोष हो गए, तीन दोष हो गए। और इसके बाद में आचार्य कहते हैं दुष्य। तो दुष्य कौन से होते हैं जो कुष्ठ का कारक होते हैं, उसमें आचार्य ने कहा है त्वक मांस शोणित लसिका। तो त्वक मांस और शोणित लसिका, ये तो दुष्य होते हैं। और जो दोष हैं वो दोष आप सभी को पता है, वात पित्त और कफ, ये तीन दोष होते हैं। यानी कि ये जो सात द्रव्य हैं जिसमें से तीन दोष हैं और चार दुष्य हैं, ये हमारे शरीर में कुष्ठ रोग को उत्पन्न करते हैं। एतत् सप सॉरी ये ले लेते हैं, एतत् सप्ता नाम सप्त धातु मेव। ये जो सात कुष्ठ हैं, ये सात कुष्ठ क्या करते हैं आपको थोड़ा सा इसमें समझना है कि ये अन्य धातुओं को भी विकृत करते हैं। ये धातुओं का समूह जो है वो ये जो चार धातु हैं, चार धातुएं तो विकृत होती होती हैं, लेकिन विकृत होते हुए ये सारे शरीर की जो धातुएं हैं उन सारे शरीर की धातुओं को विकृत कर देते हैं। तो संपूर्ण शरीर, यहाँ जो आचार्य ने कहा है संपूर्ण शरीर, कहने का मतलब है कि प्रारंभ में चार धातुएं ही दुष्ट होती हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो अस्थि आदि जो बाकी जो अन्य धातुएं हैं वो धातुएं भी इस रोग से आक्रांत हो जाती हैं। हालांकि थोड़ा सा इसमें ये चीज भी आप जब इसको ध्यान रखेंगे तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि आचार्य सुश्रुत ने जो है वैशेषिक दुष्टिक्रम बताया है, यानी कि किस क्रम से कुष्ठ उत्पन्न होता है। किस क्रम से कुष्ठ उत्पन्न होने का मतलब सबसे पहले कौन सी धातु दुष्ट हुई, उसके बाद में फिर कौन सी धातु दुष्ट हुई, फिर उसके बाद में कौन सी धातु दुष्ट हुई। तो आचार्य सुश्रुत ने इसका वैशेषिक दृष्टि बताया, वैशेषिक दुष्टि बताया है। तो वैशेषिक दुष्टि किसके कुष्ठ में किसने बताई है, आचार्य सुश्रुत ने बताई है। और वैशेषिक दुष्टि का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि पूर्व में कौन सी धातु होगी और उत्तर में कौन सी धातु होगी, ये जो है वो आचार्य सुश्रुत का निर्देश है। यहाँ पर जो बताया है वो चारों धातुओं का नाम, त्वक मांस शोणित और लसिका, इन चारों धातुओं का नाम आचार्य ने एक साथ बताया है। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस आता है जब हम चरक संहिता पढ़ते हैं और सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं, लेकिन मूल भाव आप समझ लीजिए। आचार्य चरक के अनुसार सात द्रव्य हैं, ये जो पूरा श्लोक है इसका मूल भाव इतना है कि सात द्रव्य हैं जो कुष्ठ के कारक होते हैं। ये सात द्रव्य कौन से हैं जिसमें तीन दोष हैं और चार दुष्य हैं। चार दुष्य कौन कौन से हैं, त्वक है, मांस है, शोणित है और लसिका है। और यही चार दुष्य जो है और तीन दोष, ये कुष्ठ के कारक होते हैं। और फिर ये बाद में जाकर के सारे शरीर को दूषित कर देते हैं। फिर ये बाद में जाकर के क्या करते हैं, सारे शरीर को दूषित कर देते हैं। तो सारे शरीर का मतलब हमने बता दिया, इसका तात्पर्य ये हुआ कि बाकी जो धातुएं हैं उनको भी ये दूषित कर देते हैं। यहाँ पे कुष्ठ विसर्प में थोड़ा सा भेद बताया है, ये हमारा अभी आगे हम पढ़ेंगे इसको। हालांकि आप जब खुद स्टडी कर रहे हैं तो इसके ऊपर आप देख लीजिए, क्योंकि आगे पूरा हम इसको वर्णन करेंगे। मूल भाव इसका समझना है आपको, तो मूल भाव यहाँ पे आता है कि आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत में जो है वो बेसिक डिफरेंस क्या क्या है। जब आप उसको समझ जाएंगे तो आप कुष्ठ और विसर्प का संदर्भ भी समझ लेंगे। आचार्य चरक ने जो है वो आपको जो कुष्ठ बताए हैं वो प्लेन आपको कुष्ठ बता दिए कि कुष्ठ इतने तरीके के होते हैं, क्लियर। आचार्य सुश्रुत ने जो है वो
जब कुष्ठ का वर्णन किया है तो उन्होंने महाकुष्ठ का वर्णन किया है, यानी कि महाकुष्ठ और क्षुद्र कुष्ठ इसमें डिवाइड किया है आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य सुश्रुत ने। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि महाकुष्ठ और क्षुद्र कुष्ठ ये दोनों किसने बताए हैं, ये आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं, ना कि आचार्य चरक ने बताए हैं। ये चीज सॉरी यहाँ मैंने लिख दिया सुश्रुत, यहाँ पे अपने को लिखना था क्षुद्र कुष्ठ, क्षुद्र कुष्ठ। तो ये क्षुद्र कुष्ठ जो है वो और महाकुष्ठ जो है वो आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। अब यहाँ पे जब बात आती है विसर्प की और कुष्ठ की, तो आचार्य सुश्रुत ने विसर्प को अलग माना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देख लें तो आपको पता हो जाएगा कि ये अन्य कारणों से दूषित वातादि दोष त्वचा आदि चार दूषित विसर्प रोग को उत्पन्न करने वाले हैं। कुष्ठ एवं विसर्प दोनों ही रोगों में यही सात मुख्य कारण होते हैं। कुष्ठ भी वही है, विसर्प भी वही है, यानी ये जो सात जो दूष्य बताए हैं आचार्य ने, ये सात दूष्य जो है जिसमें से तीन दोष हो गए और चार दूष्य हो गए। तो कुष्ठ में भी यही तीन दोष और चार दूष्य हैं, और विसर्प में भी यही तीन दोष और चार दूष्य होते हैं। लेकिन आचार्य चरक से जो इसका जो कुष्ठ और विसर्प के बीच में जो इसका जो मुख्य भेद है वो आचार्य ने यहाँ दे दिया। हम इसको आगे जा करके जब हम इसका जब सुश्रुत का हम पाठ करेंगे उसमें हम इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे और समझेंगे, और आप उस चीज को समझ भी पाओगे। अभी तक आपको इसी को रखना है, यानी कि ये कुष्ठ जब उत्पत्ति होती है तो तीन दोष चार दोष रहते हैं, लेकिन जीर्ण हो जाता है तो फिर अस्थि मज्जा सूक्ष्म आदि को भी दूषित कर देते हैं। ये आचार्य सुश्रुत ने जो कहा है, ये आचार्य सुश्रुत का रेफरेंस है। तो आचार्य सुश्रुत ने पहले त्वचा, फिर लसीका, रक्त, फिर मांस, इस क्रम से ये दूषित होते हैं। ये हम पढ़ेंगे सुश्रुत में पढ़ेंगे। अभी हमारे सिर्फ जो हमारा जो मुख्य मकसद है, क्योंकि यहाँ पेपर चरक का ही है और हम मुख्य रूप से चरक पे ही बात करेंगे, तो जो बेसिक डिफरेंस है वो हमने बता दिया कि चरक और सुश्रुत में बेसिक डिफरेंस क्या है। चरक ने चार दूष्य एक साथ ही बोले हैं, सुश्रुत ने क्रम से दूष्य दूष्य होना बताया है। सुश्रुत ने महाकुष्ठ माने हैं, क्षुद्र कुष्ठ माने हैं, आचार्य चरक ने ऐसा कुछ नहीं माना है, इनको एक साथ ही माना है। ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब अगले श्लोक में हम चलते हैं। न च किंचित अस्ति कुष्ठम एक दोष प्रकोप निमित्तम। अब आचार्य यहाँ क्या करे हैं, कोई भी कुष्ठ ऐसा नहीं है, किसी भी प्रकार का कुष्ठ, कोई भी आप जो कुष्ठ आगे जिन कुष्ठों का आचार्य वर्णन करेंगे उन कुष्ठों के लिए आचार्य कहते हैं कि एक ही दोष के प्रकोप से उत्पन्न होने वाला कोई कुष्ठ नहीं है, यानी कि सभी जो कुष्ठ होते हैं उनमें सभी दोष ही विद्यमान रहते हैं, ऐसा आप उसको समझ सकते हैं। लेकिन आचार्य क्या कहते हैं, दोषांश विकल्प अनुबंध स्थान विभागेन वेदना वर्ण संस्थान प्रभावानाम चिकित्सित है, चिकित्सित विशेष है। ये जो आपको सात कुष्ठ बताए हैं आचार्य ने, तो समान कारण वाले, इनका कारण एक ही रहता है, समान कारण वाले, समान प्रकृति वाले, समान प्रकृति नाम अपि कुष्ठानाम, समान प्रकृति होते हुए भी, समान कारण होते हुए भी, ये सातों कुष्ठ जो है वो सातों कुष्ठ का जो प्रविभाग किया गया है, यानी कि फिर कुष्ठ सात बताए आचार्य ने हैं। एक कहते हैं एक दोष से कोई एक कुष्ठ पैदा नहीं हुआ, यानी कि सभी दोष और सभी दुष्य जो है वो साथ रहते हैं। तो सभी दोषों के साथ अगर सभी दोष अगर किसी दुष्य में जाते हैं, उसको दूषित करते हैं, तो फिर उन सब कुष्ठों को अलग अलग नाम देने की क्या जरूरत पड़ी है, उनके साथ विभाग आपने क्यों किए हैं। आचार्य चरक इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो दोष का अंशांश विकल्प है, दोष का अंशांश विकल्प है, दोषांश विकल्प, दोषांश विकल्प क्या हो गया, दोषांश विकल्प हो गया कि एक अगर कुष्ठ है तो उस कुष्ठ के अंदर एक में वात की अधिकता है, एक में पित्त की अधिकता है, एक में कफ की अधिकता है, एक नंबर बात। दूसरी बात, जिनमें वात की अधिकता है उसमें वात के किन गुणों की अधिकता है, जिनमें पित्त की अधिकता है उनमें पित्त के किन गुणों की अधिकता है। कहने का मतलब दोष के अंशांश कल्पना, जिसके हम जिक्र कर चुके हैं हमारी पिछली पिछले जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर, कि अंशांश कल्पना अलग रहती है। दूसरा, इनका जो स्थान है, इनका स्थान है, ये स्थान जो है वो डिफरेंट होता है, स्थान इनका अलग अलग होता है। स्थान का मतलब क्या होता है, आश्रय होता है, तो इनका सबका जो आश्रय है वो अलग होगा।
इनके जो है वो वेदना है, वर्ण है, इनकी आकृति है, इनका प्रभाव है। प्रभाव से क्या मतलब हुआ? प्रभाव से मतलब हुआ कि ये कौन से साध्य हैं, कई कई असाध्य हैं। तो इस प्रकार से इनके अंदर ये बेसिक डिफरेंस मिलता है सातों के अंदर। इसीलिए इनके जो है वो आचार्य चरक ने सात विभाग किए हैं। तो इसीलिए जो है वो ये बताते हैं कि विकुष्ट सात प्रकार का होता है या सात विभाग हैं उसके। आचार्य विभाग के संदर्भ में आगे और निर्देश कर रहे हैं जिससे आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ जाओगे। स सप्त विधो, अष्टादश विधो, अपरिसंख्यीय विधो वा भवति। ये जो कुष्ठ है ये सात प्रकार का होता है, ये 18 प्रकार का होता है, और ये असंख्य अपरिसंख्यीय, ये अपरिसंख्यीय यानी कि आचार्य चरक कुष्ठ को मानते हैं सात प्रकार का। कुष्ठ सात प्रकार का होता है। फिर दूसरा विभाग किया, उसके अंदर उन्होंने बताया ये 18 प्रकार का होता है। फिर तीसरा विभाग किया, उसमें उन्होंने बताया ये असंख्य होता है। अब ये जो है वो असंख्य क्यों होगा, ये 18 प्रकार का क्यों होगा, सात क्यों होगा? यहाँ आचार्य कहते हैं कि दोषों की जो अंशांश कल्पना जो है वो जब हम करते हैं तो उस कल्पना के कारण जो है दोष को किसी भी प्रकार से, दोष को हम अनगिनत उसके असंख्य भेद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो एक जो है वो जिनकी चिकित्सा हो सकती है वो साध्य हो गए, जिनकी दुष्चिकित्सा होती है थोड़ी सी कठिन होती है वो याप्य हो गए, नहीं हो सकती असाध्य हो गए। तो बहुत सारे जो वही कारण है, विकल्प है, विकार, संख्या, प्रसंग समीक्षा, सप्तविधमेव कुष्ठम विशेष उपदश्यामे। तो जो संपूर्ण विकल्प द्वारा या संपूर्ण भेदों द्वारा विकार को बनाने में अत्यधिक विस्तार को देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि हम सात प्रकार के कुष्ठों का जो है वो उल्लेख करेंगे या उनका उपदेश करेंगे, आप इस तरीके से ये कह सकते हैं। तो आचार्य चरक ने इस श्लोक में, अगर हम शॉर्ट स्वीट बात करें, तो आचार्य चरक ने कहा है कि कुष्ठ सात प्रकार के भी होते हैं, 18 प्रकार के भी हो सकते हैं, और असंख्य प्रकार के भी हो सकते हैं। ये किससे कल्पना करेंगे? ये उसकी जो विकल्प है, जो आपस के अंदर ये मिलते हैं, इनकी जो अंशांश कल्पना रहती है उसके हिसाब से हम इनके ये भेद करते हैं। लेकिन क्योंकि सारे प्रकार के भेद जो ये कह सकते हैं कि इनका अगर हम विस्तार अगर वर्णन करेंगे तो वो बहुत विस्तार हो जाएगा, उसका अत्यधिक विस्तार हो जाएगा। तो उस विस्तार से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि सात प्रकार के जो कुष्ठ हैं उन सात प्रकार के सप्तविधमेव कुष्ठ विशेषम उपदेश्यामः है, उन सात प्रकार के कुष्ठों का विशेष रूप से हम यहाँ पे वर्णन करेंगे। ये इसका तात्पर्य है। तो अब आगे यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ लिखा हुआ भी है कि चरक ने सात महाकुष्ठों का वर्णन नहीं किया है, यह भेद तो सुश्रुत का है, यानी कि जो महाकुष्ठ का वर्णन किया है वो महाकुष्ठ का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने ही किया है। अब इह वातादिशु, ये जो वात आदि तीनों दोष हैं, वातादिशु मीन्स वात, पित्त और कफ, ये जो तीनों दोष हैं ये क्या करते हैं? ये तीनों दोष किसको दूषित करते हैं? त्वक आदि चतुर है, ये जो चार दुष्य बताए हैं, त्वक आदि चार जो दुष्य बताए हैं, इन चारों प्रकार के दुष्यों को दूषित करता है, इनको दूषित करता है। और दूषित जब करते हुए वात अगर अधिक होता है, वाते अधिक तरे, वात जब अधिक होगा तो कपाल कुष्ठम अभिनिवृतते, कपाल कुष्ठम अभिनिवृतते, यानी ये जो कपाल कुष्ठ है, कहने का मतलब कि तीनों दोष हैं, हमने वो अंशांश कल्पना की बात की थी कि एक दोष अधिक होगा, दूसरा दोष कम होगा, एक दोष का एक गुण ज्यादा होगा या पर्टिकुलर दो चार गुण ज्यादा होंगे, बाकी एक दो गुण कम होंगे। तो वो अंशांश कल्पना में ही आचार्य यहाँ इनके विभाग कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये चारों दुष्य तो चारों ही रहेंगे, लेकिन जब ये तीनों दोष इन दुष्यों को दूषित करते हुए जाएंगे, पैदल चल चल के ऐसे 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 करके जाएंगे जब इनके पास, तो जब इनके पास जाएंगे तो उसमें जरूरी नहीं है कि वात पित्त और कफ तीनों एक समान जो है वो अवस्था में रहें। इसमें ऐसा हो सकता है कि वात अगर ज्यादा होगा उस दुष्य को दूषित करते टाइम, अगर वात का अनुबंध ज्यादा होगा तो उस वात के अनुबंध से कपाल कुष्ठ की उत्पत्ति होगी, ये आचार्य यहाँ पे निर्देश कर रहे हैं। लेकिन सपोज करिए अगर वात प्रबल नहीं है, उनके अंदर पित्त प्रबल है, तो पित्त अगर प्रबल हुआ तो पित्ते औदुम्बरम, पित्त अगर प्रबल हुआ तो
कौन सा कुष्ठ होगा? उदुम्बर कुष्ठ होगा। और अगर कफ प्रबल हुआ तो श्लेष्मणि मंडल कुष्ठम, तो अगर कफ की प्रधानता रही तो कफ की प्रधानता रहेगी तो कौन सा होगा? मंडल कुष्ठ होगा। और अब आचार्य यहां बता रहे हैं एक तरीके से आप समझते हैं द्वंद्वज वात पित्तियों, लेकिन अगर जरूरी थोड़ी है कि एक ही प्रबल रहे, हो सकता है दो दोष प्रबल हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी है कि दो दोष यानी कि वात और पित्त दोनों मिलके प्रबल रहे, तो दोनों जब मिलकर के और इनको दूषित करेंगे चारों दुष्यों को, तो ऋष्य जीव जो कुष्ठ है वो होगा। और अगर पित्त और श्लेष्मा, क्योंकि जरूरी नहीं है वात पित्त हो, पित्त श्लेष्मा भी हो सकते हैं, पित्त श्लेष्मा अगर प्रबल रहेंगे तो कौन सा कुष्ठ होगा? तब कुष्ठ होगा पुंडरीक, तब उस कुष्ठ को हम कहेंगे पुंडरीक। और अगर वात और कफ दोनों प्रधान रहें तब जो कुष्ठ होगा उस कुष्ठ को कहेंगे सिद्म कुष्ठ। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि संपूर्ण जो दोष है यानी तीनों जो दोष हैं, सर्व दोषाभिवृद्धौ, सर्व दोषाभिवृद्धौ, तीनों दोष जो हैं वो प्रबल हो गए, तो तीनों दोष जब प्रबल होंगे तब जो कुष्ठ होगा वो काकणक काकणकम अभिनिवर्तते, तब काकणक जो कुष्ठ है वो काकणक कुष्ठ होगा। किसमें? तीनों दोष के बढ़ने में, तीनों दोषों की अधिकता में। ये आचार्य यहाँ जो सात कुष्ठ जो आचार्य कह रहे हैं कि हम जो महत्वपूर्ण है और उनका हम वर्णन करेंगे और बाकी सब भी लगभग इसी के अंदर ही समाहित हो जाएंगे, तो इसी के अंदर समाहित हो जाएंगे, तो मुख्य रूप से सात कुष्ठ आचार्य ने बताए। अब यहाँ अगर हम इनको दूसरे तरीके से समझें, यहाँ अगर हम इनको दूसरे तरीके से समझें तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि आचार्य चरक ने सात प्रकार के हमें कुष्ठ बताए हैं। आचार्य चरक ने सात प्रकार के कुष्ठ का निर्देश किया है, हालांकि उन्होंने कहा है कुष्ठ 18 प्रकार के भी होते हैं और कुष्ठ असंख्य भी होते हैं। अब ये जो कुष्ठ बताए हैं आचार्य ने, इन कुष्ठ के अंदर पहली बात आचार्य ने क्या की है कि सात जो एक तरीके से द्रव दृष्टि है वो इसके अंदर सात द्रव्य जो हैं वो इसमें कारण होते हैं कुष्ठ को पैदा करने में। जो सात होते हैं उनमें तीन आचार्य ने कहा है कि दोष होते हैं, तो तीन दोष कौन से हो गए? वात पित्त और कफ। चार आचार्य ने कहा है कि दुष्य होते हैं, चार क्या होते हैं? चार दुष्य होते हैं। अब ये जो चार दुष्य और तीन दोष हैं यानी कि ये टोटल कितने हो गए आपके? टोटल हो गए सात। तो चार ये तीन हम इनको यहां पे लिख देते हैं, ये वात हो गया, एक पित्त हो गया और एक हो गया कफ, ये तीन तो दोष हो गए। और जो चार दुष्य हैं उसमें आचार्य ने कहा एक त्वक हो गई यानी कि त्वचा हो गई, दूसरा मांस हो गया, अगला रक्त हो गया और एक लसीका हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहने चाहिए ये कि इसमें दोष कौन से हैं और दुष्य कौन से हैं। अगली जो चीज आचार्य कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसको जो है वो हम क्या करेंगे, सात प्रकार भी बता सकते हैं इसके, हम 18 प्रकार भी बता सकते हैं और असंख्या भी बता सकते हैं। अब ये जो तीनों दोष हैं, आचार्य कहते हैं कि किसी एक दोष से कोई कुष्ठ पैदा नहीं होता है। जब कोई भी कुष्ठ पैदा होगा तो उसमें तीनों जो दोष हैं, ये जो तीनों दोष हैं, इन तीनों दोषों का समावेश रहता है, यानी कि तीनों ही दोष जाकर के पर्टिकुलर दुष्य के अंदर जाकर के कुष्ठ की उत्पत्ति करते हैं। लेकिन ये दोषों का जो बलाबल है यानी कि इन तीनों दोषों में से कौन सा दोष प्रबल है, इस बात पे डिपेंड करता है कि उस कुष्ठ का नामकरण हम क्या करेंगे। अब इसको हम सॉरी अब इसको हम समझते हैं कि अगर वात प्रबल है, अगर वात दोष प्रबल है तो वात दोष प्रबल होने पे कपाल कुष्ठ की उत्पत्ति होगी, पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। अगर पित्त दोष प्रबल है, अगर पित्त दोष प्रबल है तो कौन सा कुष्ठ होगा? आपको मेरे से पहले बोलना चाहिए कि कौन सा कुष्ठ होगा, ओदुम्बर कुष्ठ होगा। दूसरा पित्त प्रकुपित है तो पित्त प्रबल है तो ओदुम्बर होगा। और अगर कफ प्रबल है तो कफ प्रबल है तो कौन सा होगा? मंडल कुष्ठ होगा। लेकिन अगर वात पित्त प्रबल है, वात पित्त अगर प्रबल है तो कौन सा दोष हुआ? वात पित्त प्रबल होने से ऋष्य जीव्य कुष्ठ होगा। और अगर एक तरीके से हम ये कहें कि पित्त कफ अगर प्रबल है, पित्त कफ अगर प्रबल है
तो ये होगा पुंडरीक, पित्त कफ प्रबल है तो पुंडरीक होगा। और अगर वात कफ प्रबल है, वात कफ प्रबल है तो होगा काकणक, सॉरी वात कफ प्रबल है तो सिद्म, इसको वात कफ प्रबल है तो सिद्म कुष्ठ होगा। और अगर त्रिदोषज है, यानी कि तीनों ही दोष हैं, सन्निपातज है, तीनों ही दोष प्रबल हैं तो काकणक कुष्ठ होगा, तो काकणक कुष्ठ होगा। मेरे हिसाब से मैंने सही लिखे हैं, फिर भी आप मूल रेफरेंस से एक बार देख लीजिएगा ताकि कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहे। ये आचार्य ने कहा है कि ये 7 प्रकार के जो भेद जो है वो कुष्ठ के होते हैं, और तीनों दोष जो है वो इनको दूषित करते हैं, पहली चीज आचार्य ने कही। दूसरी चीज आचार्य ये कह रहे हैं कि ये जो स्टार्टिंग के दूष्य हैं त्वचा, मांस में, रक्त और लसी का, तो लेकिन अगर कुष्ठ धीरे 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 करता हुआ वो सर्व शरीर को दूषित करता है, यानी कि अन्य धातुएं भी, आपको ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि अन्य धातुएं भी दूष्य होती हैं, अन्य धातुएं भी दूषित होती हैं कुष्ठ के अंदर, लेकिन जो प्रारंभिक दूष्य हैं वो 4 हैं जिनको त्वचा, मांस, रक्त और लसिका का आचार्य ने निर्देश किया है। ये चीज हो गई।